अस्सलाम वालेकुम, यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आज जो हमारा टॉपिक है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर में, दैट इज नर्सिंग रिसर्च। अब नर्सिंग रिसर्च जो आपके पास एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको हमने पढ़ना है इस सेमेस्टर में, सो बेसिकली हम रिसर्च के हवाले से कुछ बात करें कि असल में रिसर्च होती क्या है, या एज अ नर्स आपको रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, या आपको रिसर्च पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्यों ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है, या लोग दुनिया में रिसर्च पढ़ते क्यों हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है रिसर्च का। सबसे पहले मैं बात करूँ रिसर्च, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिस्कस करें कि इट इज़ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट किया जाता है कुछ ऐसी बातों को जो नोन नहीं होती, जिनका भी पता नहीं होता, जो सीक्रेट्स होते हैं, या कोई ऐसी बातें जो हम जानना चाहते हो, उनको ढूंढना, उनको समझना, लेकिन एक प्रॉपर वे में समझना, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब हर बंदा मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई करता है डिफरेंट चीज़ों को समझने के लिए, अब उसको हम रिसर्च नहीं कहते, क्योंकि हर कोई एक अपना मेथड फॉलो कर रहा है। एक होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि एक प्रॉपर मेथड के थ्रू आप कोई चीज़ सर्च करते हो, एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। कि साइंस आपको एक मेथड बताती है, एक पाथवे बताती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। इन्वेस्टिगेशन से मुराद है कोई चीज़ फाइंड आउट कैसे करनी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना होता है? अ सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज़। कोई नया फैक्ट, कोई नई बातें मालूम करना, कोई न्यू आइडियाज़ के ऊपर आपने कुछ सर्च करनी है, उसको आप रिसर्च कह सकते हो। सर्च फॉर नॉलेज, फर्ज कीजिए आपको एक चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप उसको सर्च करते हो, आप उसको किताबों में सर्च करो, रिसर्च आर्टिकल्स में देखो जिन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए, गूगल पे सर्च करते हो, इंटरनेट उसके ऊपर सर्च कर रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? इट इज़ अ सर्च फॉर नॉलेज। अपने लेवल पे आप एक रिसर्च कर रहे हो, एक मेथड फॉलो करते हो किसी चीज़ को जानने के लिए, एक सर्च फॉर नॉलेज है। अ मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन, क्या मतलब है? एक चीज़ जो आपको अननोन है, आप जिसके बारे में नहीं जानते, तो ला इल्मी से इल्म की तरफ मूव करना, यानी अननोन से नोन की तरफ जाना। अब ये जब आप एक जाते हो फ्रॉम अननोन टू नोन, एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करते हो, फिर आप एक नतीजे पे पहुंचते हो, इसको आप रिसर्च कहते हो। कि आपको एक चीज़ अननोन है, सबसे पहले उसके बारे में जानना है तो बुक्स उठाओ, बुक्स में पढ़ो, जवाब मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई इंटरनेट सर्च करते हो, यूट्यूब की कोई वीडियो देख लेते हो, या कोई पब्लिश आर्टिकल देख लेते हो। अब ये क्या कर रहे हो? आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए। तो ये जो आपके स्टेप्स हैं, ये एक आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हो। अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, यानी ये एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा सफ़र है जिसमें आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हो। आपके लेवल पे वो डिस्कवरी होती है, क्योंकि एक चीज़ आपको पहले पता नहीं थी, अब आपने उसके बारे में जाना, तो ये एक सफ़र है डिस्कवरी। आपने डिस्कवर किया कि अच्छा कोई चीज़ ये होती है, कोई फैक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो आप एक तो उन सब लोगों की बातें एक जगह पे लिख लेते हो, ये आपका स्टेप नंबर वन है। उसके बाद एक एक बात को आप सर्च करते हो कि किसकी बात ठीक थी, किसकी बात गलत थी, कौन सी जगह पर कौन से अल्फाज गलत कहे गए। अब ये क्या चीज़ है? ये आप एक पाथवे फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, और एंड पे आप एक नतीजे पे पहुंच जाते हो, तो ये एक वॉयज है, आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हो, इसको आप रिसर्च कहते हो। तो ये सादा से अल्फाज हैं कि कोई भी न्यू चीज़ का पता करवाना, या जो ऑलरेडी पता है उसके बारे में फिर से सर्चिंग करना, इसको आप रिसर्च कहते हो। जो ऑलरेडी सर्च हुआ फिर से आपने रिसर्च किया कि क्या वाकई में ऐसी बातें हैं, इसको आप रिसर्च कहते हो। तो ये बड़ा सादा से अल्फाजों में हमने बात की है रिसर्च की। रिसर्च एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरी फील्ड है। हम तो इस पोस्ट आर एन के थर्ड सेमेस्टर में एक एज अ सब्जेक्ट रिसर्च के बारे में जानेंगे कि रिसर्च क्यों होती है, एज अ नर्स आपको रिसर्च करनी क्यों है। आप नर्सिंग कर चुके हो ऑलरेडी, आप एक प्रोफेशनल हो, आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, पूरा नर्सिंग जो है आपका प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, स्टिल आपको रिसर्च की क्या ज़रूरत है?
तो हमने एज अ सब्जेक्ट इस रिसर्च को पढ़ना है कि हमें पता हो कि एज अ नर्स आपको रिसर्च क्यों करनी है, ऐसी कौन सी जो है डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस आप कर सकते हो, कौन सी डेवलपमेंट ला सकते हो नर्सिंग में, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप क्या चेंज ला सकते हो, कौन सी चीज़ बेहतर बना सकते हो, कौन से मेथड्स हैं या कौन सी टेक्निक्स हैं जिनमें जिनका रिजल्ट पिछले टेक्निक से ज़्यादा बेहतरीन आ सकता है। तो आप एज अ नर्स मुख्तलिफ टेक्निक्स होती है, मुख्तलिफ मेथडोलॉजी होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की, कौन से मेथड्स मज़ीद बेहतर बन सकते हैं ये आपकी एक रिसर्च होती है। कोर्स आउटलाइन आपके पास है कि सबसे पहले तो हम बात करें इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग रिसर्च। इंट्रोडक्शन हमें समझ में आए कि बेसिकली नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, एकेडमिक लेवल में उसको पढ़ा जाए। फिर हमें पता चलता है कि कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, कहीं पे आप क्वालिटी चेक करते हो, कहीं पे नंबर्स की फॉर्म में रिसर्च हो रही है, कहीं पे रिसर्च आउटकम क्या होते हैं कि आपने एक रिसर्च की तो क्या आउटकम आया है, क्या रिजल्ट आया है, उसको किस तरह इंटरप्रिटेशन करती हो, क्या आपने एक रिसर्च की है उसका क्या नतीजा निकला, उसको समझना, नतीजे को भी समझना होता है। रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन रिजल्ट को समझना होता है, रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि प्रैक्टिकली इस रिजल्ट का मतलब क्या बनता है। इसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, फिर रिसर्च पर्पस क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिग्निफिकेंस और स्कोप इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सबसे मेन चीज़ जो सबसे पहले होनी चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना। आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी आपके पास ऐसा हो गया जो आपको लगता है कि यार इस चीज़ कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है ना वो रिसर्च क्वेश्चन होता है। उस प्रॉब्लम को क्यों आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो वो आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन बनता है। फिर आप मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस करते हो कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये हल निकल सकता है, ये प्रॉब्लम इस वजह से है, ये होती है हाइपोथेसिस। इसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। फिर लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और सिंथेसिस क्या है। लिटरेचर रिव्यू होता है एक आपको एक प्रॉब्लम दिखी कि अच्छा ये कोई मसला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, उसको आप सर्च करते हो गूगल पे या किताबों में, तो ये होती है लिटरेचर। उसी मसले को पिछले कई सारे लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया होता है और उन्होंने कुछ ना कुछ उसके बारे में कहा होता है, लिखा होता है, किताबों में होगा, रिसर्च पेपर्स में होगा, पब्लिश्ड आर्टिकल्स में, तो आप उसको किस मेथड से पढ़ते हो इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो एक प्रॉपर मेथडोलॉजी क्या, पुराना लिटरेचर कैसे पढ़ते हो उस प्रॉब्लम के हवाले से। फिर आपके पास है थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स एंड मॉडल्स। देखिए रिसर्च करने का हमने बात की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, साइंस ने एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी दी है, एक स्पेसिफिक मॉडल है जिसके अंदर रहते हुए आप रिसर्च करते हो, यानी एक कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं जिन कुछ रूल्स आप कह सकते हो कि कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर मॉडल है जिसके अंदर रहते हुए आप एक स्पेसिफिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप खुद से बैठ जाओगे ना रिसर्च करने तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी चीज़ सर्च करो, कौन सी चीज़ इग्नोर करो। तो रिसर्च मॉडल का मकसद होता है आपको एक पाथवे देता है, एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता देता है कि जिसके ऊपर आप जाकर एक नतीजे पे पहुंच सकते हो, तो एक पाथवे बताता है। इसके बाद है आपके पास सैम्पलिंग मेजरमेंट टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स। सैम्पलिंग करते हो, फर्ज कीजिए आप एक पॉपुलेशन पे रिसर्च करते हो, आपके पास पेशेंट की पॉपुलेशन है। अब एक अस्पताल में तो हज़ार पेशेंट्स होंगे, क्या तमाम हज़ार पेशेंट्स को आप सर्च करोगे, ऐसा ऑब्वियसली मुमकिन नहीं होता। तो आप एक पॉपुलेशन में से एक स्पेसिफिक सैंपल उठाते हो, हज़ार में से 100 बंदे उठाने, तो 100 ही क्यों उठाने, 90 क्यों नहीं उठा सकते, 110 क्यों नहीं उठा सकते, 150 क्यों नहीं उठा सकते। तो ये जो सैंपलिंग है उसकी अपनी टेक्निक होती है कि आपने सैंपल कैसे बनाने हैं, कौन कौन से लोगों को रिसर्च में इंक्लूड करना है और कितने लोगों को इंक्लूड करना है, ये प्रॉपर सैंपलिंग टेक्निक होती है। इसके बाद डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। अब आपने लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि इन लोगों से हमने डाटा उठाना है, डाटा कलेक्ट करना है, फिर वो डाटा कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, कौन सी चीज़ों को एनालाइज करना है, ये बड़ा ज़रूरी है, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इंटरप्रेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स,
जैसे हमने बात की कि आपने पूरी रिसर्च कर ली, आपके पास रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उस रिजल्ट का मतलब क्या बनता है, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि फ़र्ज कीजिए, आपको मिसाल दूँ, एक बच्चे के 100 में से 50 नंबर आते हैं। अब 50 नंबरों का मतलब क्या है? 50 नंबरों का एक तो ये मतलब बनता है कि बंदा पास है, क्योंकि 49 होते तो फेल हो जाता, तो 49 का मतलब है फेल है, 50 का मतलब पास है। लेकिन पास भी कैसे है? बाउंड्री पे, बिल्कुल मार्जिन पे पास हुआ है। एक बच्चे के 80 नंबर है, तो अब पास तो 50 वाला भी है, पास 80 वाला भी है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में फ़र्क है। आप समझते हो कि 80 वाला पास है, 80 मार्क्स वाला उसने बड़ी अच्छी पढ़ाई की है, जबकि 50 वाले ने सिर्फ इतनी पढ़ाई की है कि बस वो जो है पास हो गया। तो देखिए, रिजल्ट का एक मतलब बनता है, रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि एक रिसर्च आपने की, उस रिसर्च से एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का मतलब क्या बनता है, उससे क्या फाइंडिंग्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। फिर आता है लिमिटेशंस एंड रिकमेंडेशंस। आपके रिसर्च में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आते हैं। सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक, ये बड़ा ज़रूरी है, ये तो ऐसे सबसे पहले होना चाहिए था, इसमें हम बात भी करेंगे कि रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं। एज अ नर्स आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, नर्सिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। अब इतनी ब्रॉड फील्ड में आप किसी बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पे रिसर्च करते हो, जैसे कि दुनिया में 1000 बीमारियां हैं, 1000 मेथड्स हैं उनके ट्रीटमेंट के, रिसर्च हो रही है किसी एक नीडल पे, एक छोटी सी नीडल के ऊपर रिसर्च हो रही होती है। कैनूला कैसे पास करना है, पूरी रिसर्च है, कौन सी आर्टरी में, कौन सी वेन में कैनूला बड़ा अच्छा जा सकता है, पूरी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो यानी कि बड़ी छोटी और स्पेसिफिक रिसर्च होती है। तो रिसर्च किस तरह से की जाती है, सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक, के हज़ारों टॉपिक्स में से आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ इस लेवल पे तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूँ, वो टॉपिक सिलेक्ट करो जो आपका इंटरेस्ट है। आप इतने सालों से नर्सिंग में हो, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो नर्सिंग की, कोई तो एक स्पेसिफिक ऐसा काम होगा नर्सिंग में जो आपको बड़ा पसंद होगा, आपका फेवरेट होगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा काम है, तो वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जो आपका आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका दिल लगता हो, जो आपको समझ में आए कि ये बड़ा अच्छा है। क्योंकि रिसर्च कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ख्वारी होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक छोटा छोटा डाटा कलेक्ट करने में। तो जो काम आपको पसंद होगा ना, उसका डाटा बड़े इंटरेस्ट से कलेक्ट कर सकोगे आप, उसके डाटा को बड़ा मज़े से समझ सकोगे, डिटेल्स में जाना चाहोगे उसके, तो आप वो टॉपिक सिलेक्ट करते हो जो आपके आपको दिल से पसंद होता है। और आखिर में राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, कि आपको टॉपिक पसंद आ गया, अब आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई सुपरवाइज़र होता है, आपको उसके सुपरविजन में आप रिसर्च करते हो, तो सुपरवाइज़र को ना समझाना होता है कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो। तो वो ज़बानी कलामी नहीं होता, बल्कि आप लिखते हो, आप लिखाई में उसको बताते हो कि मैं इस तरह से रिसर्च करना चाहता हूँ, उसमें ये स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है जिनको मैं फॉलो करके रिसर्च करना चाहता हूँ। इसको कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। तो जब आप एक प्रपोजल लिख के अपने सुपरवाइज़र को देंगे, तो फिर वो अप्रूव करते हैं कि हाँ इस चीज़ पे रिसर्च करो और मैं आपको सुपरवाइज करूँगा। तो वो जो एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो एक ड्राफ्ट बनाते हो कि इस चीज़ में मैं काम करना चाह रहा हूँ, वो ड्राफ्ट आप जो बनाते हो उसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, कि जो आप अपने सुपरवाइज़र को देते हो कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च करूँगा। तो वो जो इनिशियल आपने लिखा होता है ना, वो एक रिसर्च प्रपोजल होता है। तो इसका भी एक अपना मेथड होता है कि रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं, इसको सीखेंगे। तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप वाकई में नर्सिंग को समझना चाहो, अपनी फील्ड को समझना चाहो, कि जो आज आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों ने ये मेथड्स निकाले, लोगों ने रिसर्च की, इस वजह से आज ये टॉपिक्स हैं और आप उनके ऊपर काम करते हो, तो उनमें मज़ीद बेहतरी लाना, उनको मज़ीद डिवेलप करना, ये आपका काम है। उनको मज़ीद अच्छी तरीके से पढ़ना, इसको हम कहते हैं रिसर्च। स्पेसिफिकली रिसर्च इन नर्सिंग पे हम बात करेंगे। सो दैट इज़ आवर सब्जेक्ट, जो एक यूनिट वाइज हम चलेंगे, और हर वीक हम एक न्यू चैप्टर को समझेंगे, और जल्द अज जल्द हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सब्जेक्ट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना
यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे।